So hello everybody, welcome to all of you. This is Anju Maurya and you are watching here Science Planet Biology. And in today's lecture we are going to discuss about cockroach. In last lecture I have discussed about animal tissues. पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू मैंने एक लेक्चर में कवर किया है और इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि पूरा का पूरा कॉकरोच के जितने भी पार्ट्स हैं उसके जितने भी सिस्टम हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डेवलपमेंट है, सब कुछ मैं इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगी. सो लेट अस स्टार्ट. अच्छे से ध्यान से अटेंटिव होके पढ़िए आप लोग. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉकरोच के बारे में डिस्कस करते हैं. तो चलिए देखिए यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है कॉकरोचेस, ठीक है, या कॉकरोच. आई थिंक आपको दिखाई देना चाहिए साथ साथ, ओके. तो अभी देखिए कॉकरोच के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका क्लास पूछता है आपसे, फाइलम पूछता है, ठीक है, पूछ सकता है, इसका क्लास पूछ सकता है, इसका जीनस पूछता है, इसका स्पीसीज पूछता है. तो मोस्टली हम लोगों को पता है कि हम फाइलम ये किसका है, आर्थ्रोपोडा का है. किसका है? फाइलम आर्थ्रोपोडा का है. क्लास की अगर हम बात करें तो ये किस क्लास का है? क्लास इंसेक्टा का है. जीनस की बात करें तो जीनस देखिए हम लोगों को पढ़ना है पेरी प्लानेटा, ठीक है, पेरी प्लानेटा. और स्पीसीज जो है इसका वो है अमेरिकाना. क्या है? अमेरिकाना, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना. तो इतनी बेसिक चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, इसका फाइलम क्या है, इसका क्लास क्या है, इसका जीनस क्या है और इसका स्पीसीज एपिथेट क्या है. अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, हम लोग आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, सॉरी, आगे जो डिस्कस करने वाले हैं इसकी बॉडी साइज. पहले इसका हम कलर देखेंगे, ठीक है, इसका कलर देखेंगे. जनरली कॉकरोचेस का जो कलर होता है वो डार्क या हम कह सकते हैं ब्लैक या फिर ब्राउन होता है, ब्लैक आर ब्राउन होता है इसकी बॉडी कलर, ठीक है. लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में, हर एक पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्रॉपिकल रीजन में इसकी बॉडी कलर थोड़ी सी अलग हो सकती है. वो मल्टी कलर के हो सकते हैं, लाइक वो ग्रीन हो सकते हैं, लाइक वो रेड हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं. इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए. उसके बाद हम इसकी बॉडी साइज की बात करें तो इसका बॉडी साइज 1/4 inches से लेके 1/4 inches से लेके 3 inches तक इसकी बॉडी साइज होती है, ठीक है. अगर इसको हम सेंटीमीटर में काउंट करें तो 0.7 सेंटीमीटर से लेके या पॉइंट वी कैन से 0.6 सेंटीमीटर से लेके 0.7 सेंटीमीटर है शायद, ये इसका बॉडी साइज है, ठीक है. और उसके बाद लेकिन जो पेरी प्लानेटा अमेरिकाना होता है, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, वो काफ़ी छोटा होता है. उसकी बॉडी साइज मिलीमीटर में होती है और वो लगभग 34 मिलीमीटर से लेके 53 मिलीमीटर तक हो सकती है. तो बॉडी साइज इनकी इस तरीके से वेरी करती है. क्या कुछ जो इसका पेन साइज है वो ठीक लग रहा है ना, पेन का जो वो, चलिए कोई बात नहीं है. तो हमने क्या बताया, इसका जीनस हमें स्पीसीज याद रखना है, कलर याद रखना है, इसके बॉडी का साइज याद रखना है. इसके बाद देखिए कॉकरोचेस के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं. जनरल पॉइंट्स ये है कि देखिए ध्यान से समझना, ये जनरली कॉस्मोपॉलिटन होते हैं. क्या किसी को पता है कॉस्मो, मैंने टर्म क्या दिया, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ये हर जगह पाए जाते हैं, ये हर जगह, ऐसा मतलब कोई जगह नहीं है जहाँ पे कॉकरोचेस प्रेजेंट ना हो, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें कॉकरोचेस के, ये कर्सोरियल होते हैं. कर्सोरियल नेचर का मतलब ये काफ़ी फास्ट भागने वाले होते हैं, ठीक है. और क्या होते हैं, ये नॉक्टर्नल होते हैं. नॉक्टर्नल का मतलब तो सबको पता होगा, नॉक्टर्नल का मतलब ये रात्रिचर होते हैं, रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं कॉकरोचेस. इतनी बात पता चल चुकी है. तो इनकी बॉडी साइज
ठीक है, इनके बॉडी का कलर कैसा होता है और इनके बारे में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हमने कहा कि ये कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कर्सोरियल होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं। अच्छा एक और चीज़, ये ओमनीवोरस होते हैं। कैसे होते हैं? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब ये सब कुछ जनरली खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो ये कैसे होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कुछ जनरल पार्ट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिएगा कि जो कॉकरोचेस होते हैं, बात को एकदम अच्छे से समझना, इसका जो माउथ होता है, माउथ पार्ट, इसका माउथ पार्ट होता है बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। देखिए एक चीज आप जानना कि जितने भी आर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट आते हैं ना, इंसेक्ट में माउथ पार्ट में काफी वेरिएशन होता है। किसी का हम कह सकते हैं साइफोनिंग टाइप होता है, किसी का सकिंग टाइप होता है, किसी का पर्सिंग टाइप होता है। तो ये जो कॉकरोचेस होते हैं उनका क्या होता है? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप होता है। एक और चीज आप जानना कि इनका जो हेड होता है, हेड या फिर आप कह सकते हो माउथ पार्ट इनका जो होता है हाइपोग्नैथस टाइप होता है। कैसा होता है? हाइपोग्नैथस टाइप का मतलब ये है बच्चों कि ये इनकी बॉडी से जो इनकी लॉन्ग, जैसे सपोज करो कि मैं इस तरीके से एक कॉकरोच बना दूं, ये इस तरीके से एक कॉकरोच है, इनका माउथ पार्ट है, और मैं यहाँ से इसका नेक बना दूं, यहाँ से इसकी बॉडी बना दूं, जस्ट समझने की कोशिश करना, बाकी और कुछ नहीं है। तो इनकी जो लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस है, उस एक्सिस से इसका जो माउथ पार्ट है उसके परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है या फिर 90 डिग्री पर है, और इस टाइप के माउथ को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपो, मतलब नीचे लटका हुआ, हाइपोग्नैथस टाइप। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोग्नैथस टाइप, मतलब माउथ क्या है? दैट इज एट 90 डिग्री, या 90 डिग्री को हम और क्या लिखते हैं? राइट एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं? परपेंडिक्युलर कह सकते हैं इसको, परपेंडिक्युलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस है उसके परपेंडिक्युलर होता है इसका माउथ, और इस टाइप के माउथ को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोग्नैथस टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्नैथस टाइप कहते हैं। इनका जो हेड होता है, हेड कैसा है? ट्रायंगुलर है, दिख भी रहा है आपको, हेड कैसा है? ट्रायंगुलर होता है। और हेड के अंदर, हेड क्या क्या कंटेन्स करता है? हेड के अंदर आईज होते हैं और माउथ पार्ट होते हैं, माउथ पार्ट तो हमने पहले ही बता दिया। हेड के अंदर जो आईज होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं, एक होता है सिंपल आई और दूसरा होता है कंपाउंड आईज। बाद में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंपल आईज और कंपाउंड आईज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बहुत ही आसान है समझना इस चीज़ को। मैंने क्या बताया कि इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, सॉरी, इनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप का है, हाइपोग्नैथस टाइप है। हाइपोग्नैथस का मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। हेड होता है वो ट्राइंगुलर है, हेड के अंदर क्या होता है? आईज होती हैं, और इसके अलावा हेड के अंदर और क्या होता है? हेड के अंदर होता है माउथ पार्ट। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो आगे देखिए, अच्छा एक और चीज़ हमने क्या बताया, इनकी जो नेक भी होती है ना, देखो यहाँ पे नेक क्या है इनकी? फ्लेक्सिबल होती है। नेक कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से हेड कैन रोटेट इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इनका हेड रोटेट कर सकता है। नेक इनकी होती है फ्लेक्सिबल, जिस वजह से हेड कैन रोटेट इन ऑल डायरेक्शन। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग इसके बॉडी के बारे में देखेंगे। बॉडी, इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी मेडअप ऑफ
काइटिनस एक्सोस्केलेटन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। बॉडी काइटिन की प्लेट की बनी होती है। काइटिन हमें पता है, काइटिन एक तरीके का होमोपॉलीसेकेराइड है। क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है, जो नैग का पॉलीमर होता है। हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन काइटिन के बने होते हैं। तो इनकी बॉडी, आप कॉकरोच को देखे होंगे तो उसके ऊपर कुछ काइटिन की ऐसे जो प्लेट्स आपको दिखती है, वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। तो काइटिनस प्लेट्स को, जो काइटिनस प्लेट्स होती हैं, काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड्स, ठीक है, स्क्लेराइड्स कहते हैं। तो ये देखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं बताते चलूंगी कि कहां कहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉकरोचेस से, और हर बार क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि अगर हमें कॉकरोच पढ़ना है तो यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो देखिए, हमने क्या बताया, जो काइटिनस प्लेट्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स कहते हैं। स्क्लेराइड्स तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये काइटिनस प्लेट्स कहां कहां होती है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। डॉर्सल साइड, डॉर्सल स्क्लेरिट को, स्क्लेराइड को हम लोग कहते हैं टर्जम। क्या कहते हैं? टर्जाइट्स कहते हैं, टर्जाइट्स कहते हैं, या फिर टर्जम कह लो। क्या कहते हैं? टर्जम। जो वेंट्रल स्क्लेराइट होता है, वेंट्रल जो होता है उसको हम स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टर्नम कहते हैं, या स्टर्नाइट कहते हैं, स्टर्नम कह लो, या फिर इसी को हम स्टर्नाइट्स कह लें, प्लूरल इसका स्टर्न। और जो लेटरल होता है, जो लेटरल साइड में होती है, उसको हम प्लूराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूराइट। ध्यान से समझो इस बात को, जो डॉर्सल स्क्लेराइट है उसको हम टर्जम कहते हैं या टर्जाइट कहते हैं, जो वेंट्रल है उसको हम स्टर्नम कहते हैं, और जो लेटरल है उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरम कहते हैं, या फिर प्लूराइट कहते हैं। एक और बात बहुत अच्छे से समझना, अब जैसे सपोज करो कि मैंने कॉकरोच बना दिया इस तरीके से, तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर कॉकरोच का हम साइड व्यू इस तरीके से देखें, ऐसे हम साइड व्यू कॉकरोच का देखें, तो डॉर्सल साइड मतलब इसके पीछे वाले में भी वो एक्सोस्केलेटन प्लेट है, नीचे भी एक्सोस्केलेटन प्लेट है, और दोनों लैटरल साइड में भी एक्सोस्केलेटन प्लेट है। तो इसको हम कहेंगे, इसको प्लूराइट, देखिए दो होते हैं, ठीक है, ये एक एक है। अब ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं विद अ, कनेक्टेड विद अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कनेक्टेड विद अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कॉल्ड एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं इसको हम? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में ये सवाल आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, व्हाट इज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या है? जो एक्सोस्केलेटन प्लेट्स को, जो एक्सोस्केलेटन प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। दैट इज टर्म्ड एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, यहां तक अगर क्लियर हो गया, इट इज डन, इज इट डन। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके हम बॉडी को देखते हैं। बॉडी फिर तीन पार्ट में डिवाइड होती है। एक हो गया हेड, दूसरा हो गया, दूसरा पार्ट इसका हो गया थोरैक्स, और तीसरा पार्ट इसका हो गया एब्डोमेन। तीसरा पार्ट क्या हो गया? एब्डोमेन। पहले इस चीज को समझिए, हेड थोरैक्स एब्डोमेन। अब जरा मुझे बनाने दीजिए एक कॉकरोच। मान लीजिए मैंने ये इस तरीके से एक कॉकरोच बनाने की कोशिश कर रही हूं मैं, या इस तरीके से सपोज करो कि मैंने एक इसका स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से, ठीक है,
ये मैंने इसका माउथ हेड या जो भी बना दी। अब सपोज करो कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका हेड है, यहाँ से एंटीना वगैरह निकले रहते हैं, ओके। आपको दिखेगा कि इसका ये जो थोरैक्स है ना वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। इसका जो थोरैक्स होता है कॉकरोच का वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रोथोरैक्स, क्या नाम देते हैं प्रोथोरैक्स। फिर सेकेंड को हम लोग कहते हैं मीजोथोरैक्स, ठीक है, और लास्ट को हम लोग कहते हैं मेटाथोरैक्स। लास्ट को हम लोग कहते हैं मेटाथोरैक्स। बाकी उसके बाद से यहाँ शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है, इसका एब्डोमेन शुरू हो जाता है, इसका एब्डोमेन शुरू हो जाता है। और एब्डोमेन में लगभग लगभग 10 सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट होते हैं? देर आर 10 सेगमेंट्स इन एब्डोमेन। अब एक चीज आप समझना कि इसकी बॉडी में, हेड के बारे में तो हमने लगभग लगभग चीजें पढ़ ली हैं, थोरैक्स और एब्डोमेन के बारे में थोड़ा सा चीज हम पढ़ेंगे अभी। देखिए तो पहले मैं ये लिख दूं, हेड के बारे में मैं लिख दे रही हूं, हेड आर मेड अप ऑफ, कैसे बना हुआ है, मेड अप ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट, 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से बना हुआ है हेड। और हेड के अंदर क्या है, हेड में माउथ पार्ट है, सेंस ऑर्गन्स मतलब आईज हैं, ठीक है। हेड की पोजीशन कैसी है ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम आते हैं थोरैक्स पे, ठीक है। थोरैक्स में तीन बताया मैंने, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और थोरैक्स। आपको पता है आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट होते हैं उसकी सबसे खास बात ये होती है कि उसमें थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी लेग्स कितने होते हैं, तीन पेयर होते हैं। एक पेयर प्रोथोरैक्स से निकला होता है, एक मीजोथोरैक्स से, एक मेटाथोरैक्स से निकला होता है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे जो विंग होते हैं कॉकरोचेस में वो टू पेयर्स होते हैं। कॉकरोचेस के जो विंग्स होते हैं वो दो पेयर होते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करना। जो पहला पेयर ऑफ विंग होता है वो डार्क एंड लेदरी होता है, डार्क एंड लेदरी होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से बना दे रही हूँ। जो पहला पेयर ऑफ विंग होता है, पहला पेयर ऑफ विंग जो होता है वो मेटाथोरैक्स से निकला होता है। किससे निकला होता है? मेटाथोरैसिक विंग। मैं एक ही बना रही हूँ, आप दो इमेजिन करोगे। वो कैसा होता है? डार्क होता है, लेदरी होता है, ओपैक होता है, और ये मेनली प्रोटेक्शन के लिए होता है। दिस इज नॉट फॉर द फ्लाइट, ये फ्लाइट के लिए नहीं होता। जो दूसरा पेयर ऑफ विंग होता है वो निकला रहता है, दूसरा पेयर ऑफ विंग निकला रहता है मेटाथोरैक्स। किससे निकला रहता है? मेटाथोरैक्स से। तो मैं यहाँ पे मेटाथोरैक्स से इस विंग को बना देती हूँ। जो दूसरा पेयर ऑफ विंग होता है वो निकला रहता है मेटाथोरैक्स से। तो पहला पेयर ऑफ विंग किससे निकला हुआ है? मीजोथोरैक्स से, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं एलिट्रा या फिर टेगमिना, एलिट्रा या फिर, इसको मैं ऊपर कर रही हूँ, टेगमिना, इसको एलिट्रा या फिर टेगमिना कहते हैं। और दूसरा पेयर ऑफ विंग्स जो होता है वो मेटाथोरैसिक विंग होता है। ये कहाँ से निकला होता है? मेटाथोरैक्स से निकला होता है। तो ये चीज़ हमें पता चल चुकी है कि इसकी ये जो थोरैसिक पार्ट है, थोरैक्स से हमारा टू पेयर ऑफ विंग्स निकला रहता है, ठीक है। यहाँ तक डन हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखते हैं, तो मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को मिटा नहीं रही हूँ, बस बता दे रही हूँ कि हमने कहा क्या, कहा कि हम बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये कलर शायद आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ। बॉडी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। पहला क्या था? हमारा हेड था। दूसरा हमारा क्या था? थोरैक्स था। और तीसरा हमारा क्या है? थोरैक्स के बाद एब्डोमेन है। हेड हमारा 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। हेड कितने सेगमेंट से बना है? 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से बना है, ओके। उसके बाद हमने कहा थोरैक्स में अगेन तीन पार्ट हैं, प्रोथोरैक्स, ठीक है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, और थर्ड क्या है? मेटाथोरैक्स है। जरा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा प्रोथोरैक्स है इससे क्या निकला रहता है? वन पेयर लेग्स। यहां से भी वन पेयर लेग्स निकला, लेग्स सबसे निकले रहेंगे,
ठीक है, यहाँ पे भी वन पेयर लेग्स होते हैं, ओके। लेकिन विंग्स कहाँ से निकलते हैं? विंग्स यहाँ से नहीं निकलते, विंग्स यहाँ से वन पेयर विंग निकले रहते हैं, वन पेयर विंग्स, ओके, कॉल्ड एज मीजोथोरेसिक विंग। उसको हम क्या कहते हैं? मीजोथोरेसिक विंग कहते हैं, ओके। और ये कैसा होता है? अभी अभी मैंने बताया कि ये होता है डार्क एंड लेदरी, डार्क एंड लेदरी होता है, ओके। ये मेनली फॉर प्रोटेक्शन होता है, मेनली फॉर प्रोटेक्शन होता है, मेनली फॉर प्रोटेक्शन। और दूसरी चीज है नॉट यूज फॉर फ्लाइट, ये उड़ने के काम नहीं आता, ये इनके उड़ने के काम ही आता है। और जब कॉकरोचेस रेस्ट कर रहे होते हैं तो आप देखिएगा उनकी पूरी बॉडी इसी विंग से कवर होती है, तो इस विंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस विंग को हम लोग नाम देते हैं टेगमिना। क्या नाम देते हैं? टेगमिना या फिर एलाइट्रा, टेगमिना या फिर एलाइट्रा। इज इट डन? आगे जो दूसरा टाइप ऑफ विंग मैंने अभी अभी आपको बताया, दूसरा टाइप ऑफ विंग जो मैंने अभी बताया आपको कि वो क्या होता है, मेटाथोरेसिक विंग। यहाँ से वन पेयर विंग निकले रहते हैं, ठीक है, वन पेयर विंग, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाथोरेसिक विंग। क्या नाम देते हैं इसको हम? मेटाथोरेसिक विंग। ये स्मॉल होता है, ठीक है, ये स्मॉल होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और ये किसके लिए होता है? इसका काम है फ्लाइट, यही उड़ने के काम आता है, यही किसके काम आता है? उड़ने के काम आता है। तो देखो ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा थोरैक्स हो गया, इज इट क्लियर? आगे हमारा क्या बचा हुआ है? एब्डोमेन देख लेते हैं। एब्डोमेन में देयर आर 10 सेगमेंट्स, कितने होते हैं? 10 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते हैं? 10 सेगमेंट होते हैं। अब एक चीज आप याद रखना कि जो एब्डोमेन होता है, वन मिनट बच्चों, कितने सेगमेंट का बना है एब्डोमेन? मैंने कहा ये 10 सेगमेंट का बना हुआ है, ठीक है। अब एक चीज मैं यहां पे आपको बता दूं कि अगर मैं एब्डोमेन की बात करूं तो देखो एब्डोमेन मेल और फीमेल के एब्डोमेन में थोड़ा अंतर होता है। इन फीमेल में पहले बता रही हूं और दूसरा मैं डिस्कस करूंगी इन मेल। यहां से क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना एब्डोमेन कितने सेगमेंट का है? 10 सेगमेंट्स का है। कितने सेगमेंट्स का है? 10 सेगमेंट्स। तो हमने देखा थोरेक्स में तीन है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। एब्डोमेन में कितने हैं? 10 सेगमेंट। फीमेल में क्या होता है? जो सेवेंथ स्टर्नम होती है, सेवेंथ स्टर्नम, वो होती है बोट शेप। स्टर्नम मैंने नाम दिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये वो काइटिनस प्लेट है, ये वो काइटिनस प्लेट है जो कि वेंट्रल साइड पर पाई जाती है। वेंट्रल साइड पर पाई जाने वाली काइटिनस प्लेट को क्या कहते हैं? स्टर्नम। फीमेल में जो सेवेंथ स्टर्नम है वो बोट शेप है और अलोंग विथ एट्थ स्टर्नम एंड नाइन्थ स्टर्नम, एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्नम, ये फीमेल का एक ब्रूड पाउच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फीमेल का ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच, ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। तो याद रखना आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच फीमेल में किस किस के मिलने से बनता है, तो सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ स्टर्नम मिलके ये एक ब्रूड पाउच बनाते हैं। सेवेंथ स्टर्नम कैसा होता है? बोट शेप होता है। और इस ब्रूड पाउच में तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। एक होता है गोनोफोर, फीमेल गोनोफोर, ठीक है ना। दूसरा होता है स्पर्मेटिकी, ठीक है, स्पर्मेथिका। और तीसरा होता है कोलैटरल ग्लैंड। क्या होता है? कोलैटरल ग्लैंड।
तो फीमेल का ब्रूड पाउच ये कंटेन करता है फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिका और कोलेटरल ग्लैंड। इज इट क्लियर? तो ये फीमेल के एब्डोमेन के कुछ खास बात है। हम मेल के एब्डोमेन में देख लेते हैं। मेल के एब्डोमेन का 9th स्टर्नम, ठीक है, 9th स्टर्नम अलोंग विथ 9th टर्जम। अब मैं टर्जम बोल दी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टर्नम वेंट्रल साइड वाला प्लेट है, टर्जम डॉर्सल साइड वाला काइटिनस प्लेट है। एंड विद 10th टर्जम, 10th टर्जम, ये तीनों मिलके मेल का ब्रूड पाउच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेल ब्रूड पाउच या मेल जेनाइटल पाउच, मेल जेनाइटल पाउच। और मेल जेनाइटल पाउच में डॉर्सली, डॉर्सली होता है एनस, ठीक है, वेंट्रली होता है वेंट्रली होता है गोनोपोर, ठीक है, क्या होता है, मेल गोनोपोर। और वेंट्रली होता है, वेंट्रली होता है गोनेपोफाइसिस, क्या होता है, गोनेपोफाइसिस। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए। इसके एब्डोमेन की कुछ खास बातें हैं कि डॉर्सली एनस होता है, वेंट्रली मेल गोनोपोर होता है, और वेंट्रली क्या होता है, गोनेपोफाइसिस। ये मेल ब्रूड पाउच में है। ये फीमेल ब्रूड पाउच कैसे बनता है और मेल ब्रूड पाउच कैसे बनता है, एक बार इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से लेके पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, एब्डोमेन फीमेल में कैसा है, मेल में कैसा है, उसकी खास खास बातें मैंने आपको बताई हैं। फीमेल में 7th स्टर्नम बोर्ड सेप है, 8th स्टर्नम और 9th स्टर्नम के साथ मिलकर ये ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम आगे चलते हैं। अब हम लोग इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, किसकी, कॉकरोचेस की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ कॉकरोचेस। तो इसकी फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजियोलॉजी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक और चीज़ फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले एक और चीज़ एब्डोमेन में मैं बता दे रही हूँ आपको। जो एब्डोमेन है, ये मान लीजिए मैंने कॉकरोच की बॉडी बना दी। मेल और फीमेल कॉकरोच को पहचानेंगे कैसे, ठीक है? तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मेल और फीमेल कॉकरोच को कैसे पहचानेंगे। बहुत अच्छे से समझना बच्चों, इसका जो लास्ट वाला एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, वहां से इस तरीके का एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं एनल सरकाई। क्या कहते हैं इसको? एनल सरकाई। और ये निकला रहता है 10th टर्जम से। कहां होता है ये? 10th टर्जम, दोनों में होता है। किसमें? मान लो कि ये मेल है और ये फीमेल है, दिख रहा है, देखो एक बार ध्यान से देखो, ये मेल है ये फीमेल है। जो एनल सरकाई होता है, दैट इज सेंसिटिव टू वाइब्रेशन एंड साउंड, साउंड और वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है। ये सेंसरी ऑर्गन है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। तो मेल और फीमेल के 10th टर्जम में एनल सरकाई होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो मेल है तो उसके 9th स्टर्नम से, उसके 9th स्टर्नम से निकला रहता है एनल स्टाइल, एनल स्टाइल। एनल स्टाइल कहाँ से निकला रहता है? 9th स्टर्नम, याद रखना। आपके बुक में सीधे सीधे 9th सेगमेंट दिया है, लेकिन आप याद रखना 9th स्टर्नम। और एनल स्टाइल इज ओनली प्रेजेंट इन मेल, इट डजंट प्रेजेंट इन फीमेल, इट इज एब्सेंट इन फीमेल। एनल स्टाइल कपुलेशन या मेटिंग के काम आता है, ये केवल मेल में प्रेजेंट होता है। फीमेल में क्या होता है? एनल सरकाई होता है। मेल में एनल स्टाइल और एनल सरकाई दोनों होता है, ठीक है। यहां तक चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। क्या देखेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ कॉकरोचेस। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है चीजें, अगर आप इसे सही से पढ़ें तो एक घंटे में इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ना तीन पार्ट होते हैं,
पहले मैं इसका डायग्राम बना दूं उसके बाद बता। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने से पहले मान लो मैंने ये एक कॉकरोच बना दिया, ठीक है, एक मैंने इस तरीके से कॉकरोच की बॉडी बना दी। एकदम ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। अब मैं इसके कुछ डाइजेस्टिव पार्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको देखेंगे। ये इस यहाँ से ये निकला इसका बकल कैविटी, बहुत अच्छे से समझना बच्चों, बकल कैविटी, माउथ बकल कैविटी, फिर उसके बाद थोड़ा सा सोलेन पार्ट इसोफेगस, उसके बाद हम फिर देखेंगे एक ये इसोफेगस हो गया, आगे देखेंगे हमें एक ऐसा थोड़ा सा स्वेलिंग स्ट्रक्चर नज़र आता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ऐसे सोलेन स्ट्रक्चर, और फिर यहाँ से जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ से एक और स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, ठीक है, और यहाँ से जब आप फिर नीचे जाओगे तो आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आएगा। मैं जो डायग्राम बना रही हूँ इसको ध्यान से देखना है आपको, बस एकदम अटेंटिव होके समझते रहिए। ये मैंने बना दिया एक कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको बस आप ध्यान से देखना, कुछ भी इसमें मंत्र नहीं पढ़ना है, बस आपको समझना है, ठीक है। हो सकता है बुक में थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हो, लेकिन आप समझिए। ये जो होता है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, कलर ही नहीं समझ में आ रहा है क्या लगाऊं। ये देखो बच्चों, ये इसकी है, इसका है बकल कैविटी, ये क्या है बकल कैविटी, ठीक है, यहीं पे कुछ इस तरीके से सलीवरी ग्लैंड एंड सलीवरी रिजर्वायर होते हैं। क्या होते हैं? सलीवरी ग्लैंड एंड सलीवरी रिजर्वायर। ये होता है हमारा बकल कैविटी, किसमें ओपन होगा? आइसोफेगस में ओपन होगा, किसमें ओपन होगा? आइसोफेगस में। फिर इसका आ जाता है स्टमक, ये क्या हो गया इसका स्टमक, यहाँ पे नहीं आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रॉप है, तो आप हमने क्या बताया कि ये है हमारा बकल कैविटी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। फिर ये हमारा क्या हो गया? आइसोफेगस हो गया। आइसोफेगस के बाद थोड़ा सा रुक, एक मिनट मुझे डायग्राम देखना पड़ सकता है। हाँ, बकल कैविटी हो गया, आइसोफेगस हो गया, और बीच में फेरिंग्स भी है, बीच में क्या है? फेरिंग्स है। फिर यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं क्रॉप, क्या नाम देते हैं? क्रॉप नाम देते हैं। क्रॉप का काम क्या है मैं आगे बताऊंगी। ये वाला स्ट्रक्चर है गीजर्ड, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? गीजर्ड। गीजर्ड का भी काम मैं अभी बताऊंगी। गीजर्ड के बाद ये सारे के सारे पार्ट जो मैंने बताया ये आ जाता है हमारा फोर गट में, किसमें आ जाता है? फोर गट में, किसमें आ जाता है? फोर गट। तो यहाँ तक गीजर्ड तक जो मैंने बताया है, गीजर्ड तक ये आ जाता है फोर गट में। फिर गीजर्ड के बाद ये हमारा आता है मिड गट, क्या है ये? मिड गट। तो कॉकरोच में तीन पार्ट, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग इसके एलिमेंट्री कैनाल को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। मिड गट बहुत छोटी होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा हाइंड गट, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा हाइंड गट, और हाइंड गट में सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है इलियम, ठीक है, इलियम के बाद कोलन, और लास्ट पार्ट है रेक्टम। लास्ट पार्ट क्या है? रेक्टम। और रेक्टम ओपन किससे होता है? एनस से। तो इतनी चीजें पहले आप उसके पार्ट देखो। हाइंड गट के पार्ट क्या क्या हैं? इलियम, कोलन और रेक्टम, कंफ्यूज नहीं होना है। इलियम, जबकि हम लोगों में इलियम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हाइंड गट इसका होता है वो पे उसमें तीन पार्ट हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम। अब एक चीज आप याद रखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ध्यान से, सॉरी आई हैव चेंज बोर्ड कलर, इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखना कि ये जो फोर गट और मिड गट का जंक्शन है, फोर गट और मिड गट का जो जंक्शन है ना, यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं
हिपेटिक सी का, क्या नाम देते हैं इसको, हिपेटिक सी का, जो 6 to 8 होते हैं, कितने होते हैं 6 to 8 होते हैं, और इनका काम है दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, क्या सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। याद रखना हिपेटिक सी का कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, फिर मिड गट जहाँ पे ख़त्म होती है और हाइंड गट जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे कुछ इस तरीके से 100 to 150 येल्लो कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और इसको हम लोग कहते हैं मैलपिगियन टिब्यूल, क्या नाम देते हैं मैलपिगियन टिब्यूल। ये कितने होते हैं बच्चों, ये होते हैं 100 to 150 और इनका काम होता है, इनका काम होता है एक्सक्रीशन, इनका काम होता है एक्सक्रीशन। सो इतनी चीज़ें आपको कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में जानना है। फिर से एक बार ध्यान से देखिए पूरा का पूरा, ये चीज़ आप याद रखना, क्रॉप गीजर्ड ये सब फोर गट का पार्ट है, क्रॉप गीजर्ड तक सब कुछ फोर गट का पार्ट है, फोर गट और मिड गट, फोर गट क्या है आपका ये हो गया गीजर्ड तक, फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे हिपेटिक सी का, और फिर मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मैलपिगियन ट्यूब्यूल। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ, अब मैं इसको डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, आप देखिए मैंने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसके डाइजेस्टिव पार्ट को, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो पहला क्या है बच्चों फोर गट है, दूसरा क्या है मिड गट है, ठीक है, और थर्ड क्या है हाइंड गट है, थर्ड क्या है हाइंड गट। फोर गट में देखिए क्या क्या है, बकल कैविटी है, माउथ है, ठीक है, मैं बस लिखते जा रही हूँ, आप डायग्राम जरूर देखिएगा, बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, ओके ईसोफेगस हो गया, और अब आइए जरा मुझे बताइए ईसोफेगस के बाद मैंने फोर गट में क्या बताया था, क्रॉप बताया था, क्रॉप का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, क्या होता है स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। दूसरा मैंने स्ट्रक्चर इसी में बताया है गीजर्ड, क्या बताया है मैंने गीजर्ड, क्रॉप के बाद जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंने कहा वो क्या है गीजर्ड, गीजर्ड को हम लोग एक और नाम देते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, इसको हम लोग प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं, क्या हो गया इसमें गीजर्ड को हम लोग क्या कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। अब जरा गीजर्ड की थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, गीजर्ड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों, देखो गीजर्ड का काम क्या होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, इसका काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये फूड को कुतरने के काम आते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड ये फूड को कुतरने के लिए पीसने के काम आते हैं। तो ये फूड को अगर पीसते होंगे तो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता होगा जिसकी हेल्प से ये फूड को ग्राइंड करते हैं। तो देखो अगर हम गीजर्ड को कट करके देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं ना 6 ऐसे काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 1 2 कहाँ से कुछ गड़बड़ी हो गई है यार, देखो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर, 6 काइटिनस टीथ, तो यहाँ पे देखो 6 काइटिनस टीथ, याद रखना एक एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, 6 काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और बाहर, अच्छा ये टीथ कट करेगा तो बाहर इसको जो कटिंग की प्रोसेस है उसको हेल्प करने के लिए बाहर क्या होती हैं कुछ सर्कुलर मसल होती हैं। तो देखो गीजर्ड में 6 काइटिनस टीथ कहाँ होती हैं, इनर साइड होती हैं, कहाँ होती हैं इनर साइड होती हैं, और आउटर साइड में क्या होता है, आउटर साइड में होता है सर्कुलर मसल, क्या होता है सर्कुलर मसल। तो इतनी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं किसके बारे में, इतनी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं इसके बारे में, क्या है ये
हमारा फोर गट, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप का काम है स्टोरेज ऑफ फूड, और गीजर्ट का काम है ग्राइंडिंग। और गीजर्ट में अंदर की तरफ 6 काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और बाहर की तरफ जो होते हैं सर्कुलर मसल होती हैं जो हेल्प करती हैं ग्राइंडिंग वाली प्रोसेस में। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिड गट के बारे में। मिड गट के बारे में देखेंगे, मिड गट स्मॉल होती है, ठीक है। मिड गट क्या होती है? काफ़ी स्मॉल होती है। और अभी अभी मैंने बताया कि फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे क्या पाया जाता है? हिपेटिक सीका। क्या होता है? हिपेटिक सीका। हिपेटिक सीका कहाँ होता है? 4 to 6 होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट। कहाँ होते हैं? फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे पाए जाते हैं हिपेटिक सीका। और इनका काम क्या होता है? सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्या है? हाइंड गट। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें 3 पार्ट है, इलियम, ठीक है, कोलन, और क्या है? रेक्टम। और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे पाया जाता है हमारा मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। क्या होता है? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। और हमने कहा था कि ये 100 to 150 इन नंबर होते हैं। येलो कलर की ग्लैंड होती है और इसका काम है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, मतलब ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। किसमें रोल प्ले करते हैं? एक्सक्रीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस। कॉकरोचेस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई अगर कंफ्यूजन हो तो बताइए, आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइम हमारा 40 मिनट के आसपास पहुंच गया है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आ जाते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में। चलिए देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें। अब एक बात बताइए, बहुत ध्यान से समझना है इसका। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ है, एक तो है ब्लड, ठीक है, दूसरा है ब्लड सेल्स और तीसरा है हार्ट। तो चलिए देखिए ब्लड, ब्लड सेल्स और हार्ट। अगर मैं कॉकरोचेस के ब्लड की बात करूं तो ब्लड सेल्स नहीं करेंगे, ठीक है, ब्लड हो गया और हार्ट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम में तो यही 2 चीज़ आनी है, ब्लड और हार्ट। कॉकरोचेस के ब्लड की बात करें तो इसका ब्लड होता है कैसा भाई? कलरलेस होता है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन तो है नहीं, तो ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है। इसको हम लोग कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या नाम देते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। क्यों हीमोलिम्फ कहते हैं? क्योंकि लिम्फ का मतलब होता है कलरलेस, और यहाँ पे अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि यहाँ पे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पुअरली डेवलप होती हैं, और अगर ब्लड वेसल पुअरली डेवलप हैं तो होता क्या है, यहाँ पे कैपिलरीज एब्सेंट। कैपिलरीज अगर एब्सेंट है तो जैसे सपोज करो कि ये कॉकरोच की बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे कैपिलरीज नहीं है तो इसकी आर्टरी वगैरह आई या ओर्टा आई, ब्लड डायरेक्टली बॉडी कैविटी में पोर कर दिया जाता है, और इसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इसी बॉडी कैविटी में ऐसे बात होते हैं। बात को समझने की कोशिश करना, तो एक तरीके से ऐसा हुआ कि पानी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं, ऐसे होते हैं इनके ऑर्गन, और वहीं से डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज होता है। तो कैपिलरी है नहीं तो गैसेस एक्सचेंज ऐसे ही होगा। अच्छा अब एक चीज़ समझना आप,
इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरी की पूरी बॉडी कैविटी को हम लोग कहते हैं हीमोसील। क्या नाम देते हैं? हीमोसील कहते हैं, क्योंकि कैविटी को सिलोम कहा जाता है और वहाँ पे अगर ब्लड है तो उसको हम हीमोसील कहते हैं। इस स्पेसिस या फिर इसी को हम लोग साइनसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनसिस। और अगर यहाँ पे ब्लड है और ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, याद रखना है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ब्लड कैसा होता है? कलरलेस। इसीलिए इसके ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं डायरेक्टली ब्लड में पास होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में डिप्ड रहते हैं। ओके, इतनी चीज़ तो हमें समझ में आ गई। तो ब्लड में भी देखो, इस ब्लड में भी दो पार्ट होते हैं, ब्लड के दो पार्ट है। यहाँ पे एक प्लाज्मा वाला पोर्शन हो गया इसका, और एक ब्लड सेल्स वाला पोर्शन हो गया इसके। ब्लड देखिए, इसका प्लाज्मा तो कैसा होगा? कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस होगा। इसके ब्लड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसके ब्लड सेल्स को, एक मिनट, इसको हम लोग कहा जाता है, दैट इज द हीमोसाइट्स। क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स को हम लोग कहते हैं हीमोसाइट्स। तो ये इसका ब्लड वाला पोर्शन। इसके हार्ट वाले पोर्शन में हम लोग आते हैं। हार्ट कहाँ होता है? डॉर्सली प्लेस्ड होता है। एक बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बता दूं मैं, कि हमारे पास हमारा हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड होता है, लेकिन इनवर्टिब्रेट में अगर हार्ट है तो वो कहाँ होता है? डॉर्सली प्लेस्ड होता है। इनवर्टिब्रेट का हार्ट कहाँ प्लेस्ड होता है? डॉर्सली प्लेस्ड। और हार्ट होता है 13 चैम्बर्ड। कितना होता है बच्चों? 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब मैं इसको अगर बना दूं हार्ट को, तो देखिए, अगर ये कॉकरोच हो गया, ठीक है, ये कॉकरोच की बॉडी हो गई, उसके बाद देखो यहाँ पे हार्ट में, हार्ट इसका कितना बताया मैंने अभी आपको? 13 चैम्बर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है जिसको हम लोग करते हैं एओर्टा। क्या नाम देते हैं? एओर्टा। अब एओर्टा के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है, इसको हम अभी बना दें 13 चैम्बर्ड बना दीजिए आप। कितना बना दीजिए? 13 चैम्बर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 चैम्बर्ड हार्ट बना दिया मैंने किसका? कॉकरोचेस का, ठीक है। अब देखिए, ये जो 13 चैम्बर्ड है, इसके दोनों तरफ वेंट्रल साइड में कुछ पोर्स होते हैं। इसके वेंट्रल साइड में क्या होता है? कुछ पोर्स होता है। इस पोर्स को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। क्या नाम देते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया का काम होता है रिसीविंग ब्लड। ये ब्लड को रिसीव करते हैं, और ओर्टा क्या करते हैं? पंपिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को पंप करते हैं। पंपिंग का काम ओर्टा का है, रिसीविंग का काम है ऑस्टिया का। और ये सारे काम कैसे कर पाते हैं? यहाँ पे कुछ इस तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके की ट्रायंगुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इस मसल को हम लोग क्या कहते हैं? एलियरी मसल। क्या नाम देते हैं? एलियरी मसल्स। तो याद रखना, जो एलियरी मसल्स होती हैं उन्हीं मसल, और ये पूरे में होते हैं, ऐसा नहीं मैंने बस दो जगह बनाया है, एलियरी मसल, ऑस्टिया और ओर्टा। ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। 13 चैम्बर्ड हार्ट, इसके अलावा हार्ट कहाँ होता है? डॉर्सली प्लेस्ड होता है। इसका ब्लड कलरलेस होता है, जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। प्लाज्मा इसका कलरलेस है। बॉडी फ्लूइड फिल्ड विद द कलरलेस ब्लड, इसको हम हीमोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम इसका, कॉकरोचेस का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आ जाइए कॉकरोचेस के रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है इन सब चीज़ों को। अब हम कॉकरोचेस का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए, कॉकरोचेस में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इंसेक्ट है तो इंसेक्ट में इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। क्या नाम देते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। अब एक चीज़ आप ये बताओ कि हम लोगों में कैसे एक्सचेंज कैसे होता है? हीमोग्लोबिन की हेल्प से। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारे पास, तो हमारा गैसेस एक्सचेंज तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की हेल्प से होगा, हीमोग्लोबिन। लेकिन क्या कॉकरोचेस हीमोग्लोबिन के ऊपर रिलाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं, तो ये यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कॉकरोचेस में ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, जो डायरेक्ट गैसियस डिलीवरी करता है टिश्यू तक। वो कैसा होता है इसको जरा समझिए। ट्रैकियल सिस्टम कैसा होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं।
तो देखिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। सपोज करिए कि ये मैंने कॉकरोचेस की बॉडी बना दी, कॉकरोचेस की बॉडी बना दी। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि ये है लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस और यहाँ पे टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट है। यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है जिसके यहाँ से इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ट्रैकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकियोल्स कहते हैं। और इस बाह जो एटमॉस्फेयर जो लेटरल इधर भी है इधर भी है, लेटरल साइड में जो इसके होल हैं इसको हम लोग स्पाइरेकल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? स्पाइरेकल। इस स्पाइरेकल से ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन इस ट्रैकियोल से गया, इस टिश्यू को दे दिया गया, इस टिश्यू को दे दिया गया, इस टिश्यू और टिश्यू से टिश्यू को ऑक्सीजन मिला और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आके फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ गैसेस हो रहा है, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ गैसेस हो रहा है। कहने का मतलब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से गया, स्पाइरेकल की हेल्प से ट्रैकियोल से होता हुआ टिश्यू को दे दिया गया और टिश्यू से फिर ट्रैकियोल ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव किया और ऑक्सीजन मतलब एटमॉस्फेयर को दे दिया। रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। जरा देखना ट्रैकियल सिस्टम में है क्या, ट्रैकियल सिस्टम में क्या क्या है? दो चीज है, एक तो है स्पाइरेकल, है ना, स्पाइरेकल्स है और दूसरा क्या है, ट्रैकियोल्स है। हमें स्पाइरेकल के बारे में जरा समझना है। स्पाइरेकल होता है 10 pairs, कितना होता है, 10 pairs होता है, बहुत ध्यान समझना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 2 pairs इसका होता है थोरैक्स में, 2 pair थोरैक्स में होता है और 8 pairs होता है, 8 pairs एब्डोमेन में होता है। तो हमें याद रखना है एब्डोमिनल 2 pair थोरैक्स में होता है और 8 pair कितना, ये पूछा जाता है स्पाइरेकल कितना है, 10 pairs, 2 pair थोरैक्स में होता है, 8 pairs जो होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं। स्पाइरेकल गाइडेड बाय स्फिंक्चर्स, स्पाइरेकल्स गाइडेड बाय स्फिंक्चर्स, ये स्फिंक्चर से गाइड किए जाते हैं। स्फिंक्चर होगा, स्फिंक्चर और वॉल, वॉल और स्फिंक्चर में एक ही अंतर है, वॉल केवल एक डायरेक्शन में खुलता है, स्फिंक्चर दोनों डायरेक्शन में खुल सकते हैं। तो यही है पूरा का पूरा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या ये समझ में आ गया है? तो अब हम लोग मूव करेंगे हम लोग कहाँ पे, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ध्यान से देख लीजिए, कॉकरोचेस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आगे हम लोग इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताइए कि कॉकरोचेस क्या है, इंसेक्ट है, क्या है, इंसेक्ट। और इंसेक्ट कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिज्म होते हैं, यूरिकोटेलिज्म होते हैं। जनरली ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड। और जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या क्या हो सकता है, बच्चों बहुत ध्यान से देखना, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो मैंने आपको अभी अभी बताया मैलपिगियन ट्यूब्यूल, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे होता है, 100 to 150 होता है, येलो कलर्ड का होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। दूसरा होता है फैट बॉडीज या फैट ग्लैंड, कुछ फैट ग्लैंड्स भी इनकी बॉडी में, कॉकरोच के बॉडी में कुछ फैट ग्लैंड भी होते हैं वो भी। तीसरा होता है नेफ्रोसाइट्स, कुछ नेफ्रोसाइट्स होते हैं। और चौथा होता है यूरिकोज ग्लैंड, चौथा क्या होता है, यूरिकोज ग्लैंड, एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल, ये केवल और केवल मेल में होता है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिकोज ग्लैंड भी नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करता है और केवल कहाँ पे होता है, मेल में होता है, ये आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे इसके कहाँ पे चलें, इसका नर्वस सिस्टम, टाइम देखने दीजिए, पढ़ेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे, टाइम लगभग
होता है, फिर भी देखते हैं। इसके नर्वस सिस्टम की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इसका नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये वेंट्रली होता है। कहाँ होता है? वेंट्रली होता है। सेगमेंटली अरेंज गैंग्लियन होते हैं, सेगमेंटली अरेंज गैंग्लियन होते हैं। अब मैं डायग्राम बना रही हूँ और आप लोग इसको देखना, जरा समझ कैसे होता है। सपोज करिए कि मैंने एक कॉकरोच ऐसे बना दिया, ठीक है, ये कॉकरोच हो गया, ओके। थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। ये कॉकरोच की बॉडी है और यहाँ पे इसका एक फ्लेक्सिबल नेक है। बस समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये हो गया एक कॉकरोच, साइड व्यू देखना आप। ये इसका क्या है? आईज है, ये माउथ पार्ट है, हेड है, ओके। अगर मैं इसकी बॉडी को यहां से देखो, ये मैंने अगर इसका एलिमेंट्री कैनाल बना दिया, ध्यान से देखो, ये मैंने इसका अगर एलिमेंट्री कैनाल बना दिया, अगर मैंने ये इसका एलिमेंट्री कैनाल बना दिया तो यहां पे क्या है? इसका फेरिंग्स है। ये क्या है? फेरिंग्स, ठीक है, दिस इज द फेरिंग्स। ये लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस भी है और मैंने मान लो यहां पे एलिमेंट्री कैनाल बना दिया। फेरिंग्स के पहले क्या है? ईसोफेगस। फेरिंग्स के पहले है, मैं थोड़ा सा इसको कट ना करके साथ में बनाती हूँ। पहले आप इस चीज को समझ जाओगे ना तो भूलोगे नहीं, कि नर्वस सिस्टम के बारे में आप भूलोगे नहीं। देखो सपोज करो कि मैंने कॉकरोच की बॉडी बना दी, ये है इसका एलिमेंट्री कैनाल शुरू हुआ, ये माउथ है, ऐसे इसका माउथ है, ठीक है, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है? इसका आइसोफेगस। ये है आइसोफेगस, पहले समझना इस चीज को। आइसोफेगस के जस्ट ऊपर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या कहते हैं बच्चों, ये मुझे बताओ। हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम लोग ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को कहा जाता है गैंग्लियन। क्या नाम देते हैं? गैंग्लियन। तो आइसोफेगस के जस्ट ऊपर जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है इसको हम कहते हैं सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन। क्या नाम देते हैं इसको? सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन। इसको हम लोग कहते हैं सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन, ओके। अब ये जो सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन है, यहां से कुछ ऐसे एग्जॉन नीचे की तरफ आते हैं, यहां से एग्जॉन नीचे की तरफ आते हैं। अब देखिए इसी, यही इसका ब्रेन है, यही इसका ब्रेन है। तो ब्रेन बहुत थोड़ा सा, देखो हेड में इसका नर्वस सिस्टम बहुत थोड़ा होता है। कॉकरोचेस के हेड में इसका नर्वस सिस्टम बहुत कम डेवलप होता है। तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, हेड होल्ड लिटिल न्यूरॉन्स, या भी कह से हेड होल्ड लिटिल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हेड में काफी यही है, हेड में बस और बस ये सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन, ओके। अब देखिए यहां से कुछ ऐसे एग्जॉन निकले हुए होते हैं नीचे की तरफ, नीचे भी कुछ मतलब ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, सेल बॉडी होते हैं, उसको सब आइसोफेजियल कहते हैं। वहां तक अभी आपको नहीं पढ़ना है। अब यहां से देखिए क्या होता है, इसी जगह से एक वेंट्रल नर्व कार्ड निकली रहती है। क्या निकली रहती है? वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड। और ये नर्व कार्ड जगह जगह पे सेगमेंटली अरेंज्ड होती है पूरे एब्डोमेन और थोरैक्स में। ये कैसे अरेंज्ड होती है? एब्डोमेन और थोरैक्स में सेगमेंटली अरेंज होती है। और जहां से ये सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है इसी को हम लोग यहाँ पे भी गैंग्लिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैंग्लिया। तो देखो ये गैंग्लिया से फिर न्यूरॉन निकला, फिर एक्सॉन निकला, फिर ऐसे गैंग्लिया निकला, ये पूरे के पूरे एब्डोमेन में इस तरीके से बिखरा होता है। तो मैंने इसके नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी आपको मैंने वो बताया हुआ है, आप इसको समझना कि देखिए ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इसका वेंट्रल होता है, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन। और लगभग लगभग ये 9 पेयर्स गैंग्लियन होते हैं। कितने होते हैं?
नाइन सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तीन जो होता है वो थोरैक्स में होता है और 6 जो होता है वो एब्डोमेन में होता है। तो तीन गैंग्लियन कहाँ होते हैं? थोरैक्स में, और 6 किस में होते हैं? एब्डोमेन में होते हैं। 6 किस में होते हैं? एब्डोमेन में। तो अगर आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना हो तो, और ये जो वेंट्रल सॉलिड लॉन्गिट्यूडनल नर्व है, ये हम कह सकते हैं कि लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल कॉमिस्योर्स है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल कॉमिस्योर्स। तो आते हैं इसके हम नर्वस सिस्टम के बारे में। आपको ऐसे पढ़ना है, वेंट्रल है, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन है। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इसके नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड कर दें, तो इसका नर्वस सिस्टम हमें दो रीजन में देखने को मिल रहा है। एक इन हेड रीजन में देखने को मिल रहा है, और एक कहाँ पे? इन बेली रीजन। एक कहाँ पे देखने को मिल रहा है? बेली रीजन। अब मुझे आप जल्द, बेली रीजन का मतलब इसके एब्डोमेन वाले रीजन में, इधर पेट वाले रीजन में। हेड रीजन में क्या है जल्दी से बताइए? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। इसको हमने सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन क्यों कहा बच्चों? क्यों कहा? क्योंकि ये आइसोफेगस के ऊपर है। हेड होल्ड्स लिटिल नर्वस सिस्टम या लिटिल न्यूरॉन्स, ठीक है ना? हेड में काफ़ी कम होते हैं। इसका मोस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कहाँ पे होता है? बेली रीजन में होता है। इसीलिए कहते हैं अगर कॉकरोचेस के सर को काट दिया जाए तो भी वो जिंदा रहता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर नर्वस सिस्टम इसका कहाँ पे है? बेली रीजन में है। और ये मरेगा क्यों कॉकरोचेस? इस खा नहीं पाएगा, भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएगा, ठीक है? और अब देखो बेली रीजन में क्या है? 9 सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन। क्या है? 9 सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन। और ये किससे जुड़ा हुआ है? लॉन्गिट्यूडिनल, कनेक्टेड विद द लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, कनेक्टेड विद लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड से ये जुड़ा हुआ है। 9 सेगमेंटली अरेंज में हमने क्या देखा था? अगर 9 गैंग्लियन मैंने कहा है तो 9 में भी मैंने कहा था कि 3 गैंग्लियन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? थोरैक्स रीजन में होते हैं। और 6 गैंग्लियन कहाँ होते हैं? वो होते हैं हमारे एब्डोमेन रीजन में। रिमेंबर कि हमने अभी स्पाइरेकल बताया था, स्पाइरेकल 10 पेयर होता है, कन्फ्यूज नहीं होना। स्पाइरेकल 10 पेयर होता है, और स्पाइरेकल में जो 2 पेयर्स होता है वो थोरैसिक होता है, बाकी जो वी कैन से जो 8 पेयर होता है वो एब्डोमेन। तो नर्वस सिस्टम इस तरीके से हम लोगों ने कॉकरोचेस का ख़त्म कर लिया है। क्या आगे मूव करना चाहिए? आई थिंक नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, जैसे माउथ पार्ट के बारे में पढ़ना है, सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना है। तो वो हम लोग अगले लेक्चर, छोटा सा लेक्चर होगा उसमें मैं कवर करूँगी। तो इसमें अभी आप बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, एक बार ध्यान से इसको सारी चीज़ों को समझ लीजिए। मैंने कॉकरोचेस का जनरल फीचर बताया आपको, उसके बाद मैंने बताया कि इसमें उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, प्लेट्स वगैरह के बारे में बताया, कुछ मैंने स्पेसिफिक फीचर बताया जैसे एब्डोमेन के बारे में बताया, एनल सरकाई, एनल स्टाइल, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लगभग सारे सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों को बस और बस सेंस ऑर्गन, माउथ पार्ट और कॉकरोचेस के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, अगला लेक्चर मैं इसी का बनाऊंगी, आप लोग जरूर उसे देखिएगा, लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो है, अगर कोई और भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है तो आप उसको कमेंट में डाल दीजिए।